मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के मरीजों के लिए अभयदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 5 लाख से अधिक मरीजों को निशुल्क इलाज मिल चुका है। इस योजना के तहत विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए 1572 पैकेजेस हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही सोच रही है कि आमजन और गरीब को अच्छा इलाज मिले। इसी सोच को लेकर 7 महीने पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, जो अब प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 6 लाख से अधिक मरीजों को निशुल्क इलाज मिल चुका है। वहीं मरीजों को सुलभ इलाज मिले, इसके लिए प्रयास अभी भी जारी है। योजना में सामान्य बीमारी से लेकर हार्ट, कैंसर, न्यूरो से लेकर कोविड-19 और ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज योजना में निशुल्क हो रहा है। योजना के तहत विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए 1572 पैकेजेस हैं। प्रदेश भर के 781 सरकारी और 534 निजी अस्पताल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए इम्पैनल्ड हैं, जबकि कुल 1,33,00,000 परिवार इस योजना में पंजीकृत हैं। इस योजना में अब तक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलाज के दावे दाखिल किए जा चुके हैं। अस्पतालों में आसानी से मरीजों को इलाज मिल पा रहा है। इस योजना के तहत इलाज मिलने से मरीज और परिजन भी संतुष्ट हैं। चिरंजीव योजना के तहत मेडिकल सुविधा जो जनता को उपलब्ध कराई है, वो बहुत ही अच्छी योजना है। सभी इसका लाभ उठाएं। मैं भी, मेरी माता जी का पथरी का ऑपरेशन करवाया था, जिसमें मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा। ये मैंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत मेरे ससुर जी CM डागर का इलाज करवाया था। बहुत अच्छी योजना है, पूरा निःशुल्क इलाज हुआ है उनका और बहुत अच्छा इलाज हुआ। तो जैसे हॉस्पिटल लेके आए, उनकी ECG वगैरह की, ECG करने के बाद एंजियोग्राफी की गई और तत्काल कहा कि आपको ये करवाना पड़ेगा और आपको करीबन 1.5 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी। हमने निवेदन किया, मैं साथ में था, तो मैंने कहा साहब हमारी इस प्रकार से चिरंजीवी योजना के तहत कार्ड है, तो उन्होंने कहा आपका इलाज निःशुल्क हो जाएगा। मरीजों के सुलभ इलाज के लिए लगातार प्रयास जारी है। सरकारी स्तर पर योजना को लेकर आ रही तमाम अड़चनों को दूर करते हुए इलाज किए जा रहे हैं। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।